स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके एम कॉम थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम HRM बोलते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक पेपर जो आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पे भी मैंने एक वीडियो लिया है, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग और फीचर्स को डिस्कस किया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखें। ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके थ्योरी सेशन हैं, MCQ हैं, वो सारी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारी चीज़ें आपको मिलती रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें इसकी मीनिंग को समझेंगे और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिंपल सा मतलब क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, यही होता है ना। उसके बाद क्या है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच डेवलप्स एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन एलिमेंट्स, ठीक है, जो ह्यूमन एलिमेंट्स को क्या करे, डेवलप करे, मैनेज करे, उस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। मीन्स ये किससे, मतलब ह्यूमन का ध्यान रखना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाती हैं। मतलब ये किससे रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट की स्किल से, एटीट्यूड से, एस्पिरेशन से, मोटिव से, उसकी वैल्यू से, उसकी डिज़ायर से, उसकी नॉलेज से। मीन्स मैनेजमेंट की क्या स्किल्स हैं, क्या एटीट्यूड है, क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या उसकी डिज़ायर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी, किससे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। मीन्स ये कहता है ह्यूमन के हर एस्पेक्ट को मैनेज करना, चाहे वो उसके स्किल से रिलेटेड हो, चाहे उसके एटीट्यूड से रिलेटेड हो, चाहे उसके मोटिव से रिलेटेड हो, चाहे डिज़ायर से हो, सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। उसे हम कहते हैं HRM। ठीक है, मीन्स टाइम टू टाइम मोटिवेट करना, डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, इंसेंटिव जो भी दी जाती है उसको गाइड किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है, हर तरीके से मैनेज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। तो आई होप यू इसकी मीनिंग समझ में आया होगा कि HRM को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करे उसे हम HRM कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना। नेक्स्ट अगर हम नेचर की बात करें, नेचर या इसके फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो पहला फीचर यहाँ कहता है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट पे आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें जो HRM का एक इंटीग्रल पार्ट होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, तो पहला फीचर ये कहता है। दूसरा होता है कि जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो एक परवेजिव फंक्शन है। परवेजिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ, ये हर एक जगह पर अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप लेवल पर हो, चाहे मिडिल लेवल पर हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट पे हो। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे काम करेगा तो मिडिल पे नहीं करेगा, मिडिल पे करेगा तो लोअर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक परवेजिव का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हर लेवल पर अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट लेवल हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो। तीसरा फीचर ये कहता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन होता है। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन का मतलब ये होता है ये हर एक लेवल पर काम करता है। हर लेवल पर काम करने का मतलब टाइप ऑफ पीपल, वो चाहे लेबर हो, चाहे मैनेजर हो, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन ये कहा गया कि हर लेवल पे काम करता है। कैसे भी मैनेजर्स हो, कैसे भी पीपल हो, कैसे भी लेबर्स हो, तो ये हर तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हर लेवल पर ही काम करता है। नेक्स्ट फीचर कहता है पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है किसके अराउंड घूमे, पीपल के तो अराउंड ही घूमेगी, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या कहता है, इट इज़ अ पीपल ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करें, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि HRM की एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है, इसमें टाइम टू टाइम क्या करना, मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, उनको डेवलपमेंट देना, टेक्निक सिचुएशन के साथ क्या है, ये हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना, गाइड करना, ट्रेन करना, ये सारी चीज़ें, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइंस एज वेल एन आर्ट, ये भी कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है विज्ञान और कला दोनों है, ये साइंस और आर्ट दोनों है। मीन्स सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सारे के सारे रूल्स होते हैं, उसको क्या करता है ये फॉलो करता है डिफरेंट टेक्निक्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए इसको कहा गया है बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड होता है। इसीलिए कहा गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है साइंस और साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ये क्या होता है कि एचआरएम जो होता है ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड होता है। ह्यूमन रिलेशन का मतलब ये होता है, ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड होता है मतलब ह्यूमन के अराउंड घूमता है। एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉयर है उनको सेटिस्फाई करता है, उनका रिलेशन अच्छा होता है, तो ये किस पे बेस्ड होता है, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स ह्यूमन रिलेशन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम फीचर की बात करें, नेक्स्ट फीचर होता है रिसेंट ओरिजन। जो एचआरएम है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अभी नया आया है, एक रिसेंट ओरिजन है। तो यही कहा गया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी ये नया इसको लागू किया गया, एक रिसेंट ओरिजन है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये हुआ कि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एचआरएम जो है अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये कुछ एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें, बेसिक टू ऑल द फंक्शनल एरियाज, मतलब एचआरएम जो है ये बेसिक रहता सारे फंक्शनल एरियाज पे, चाहे एक कंपनी है उसमें, चाहे कंपनी है उसमें, चाहे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल, कोई भी डिपार्टमेंट हो उस पर क्या रहता है, सारी फंक्शनल एरिया ये इसका क्या होता है, बेस होता है। तो आई होप यू आपके इसकी मीनिंग और इसकी फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी।